अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ 7 चैप्टर 9। इस चैप्टर में हम लोग रैशनल नंबरों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं इसको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और जो क्यू है वो जीरो के बराबर ना हो, यानी क्यू जो है ये कोई ना कोई नंबर हो, जीरो ना हो। बस जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, ऊपर का जो है पी ये भी माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, लेकिन जो क्यू है ये जीरो हो सकता है, पी जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू ये हमेशा कोई जीरो के अलावा नंबर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन पी अपॉन क्यू और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये टू कंडीशन किसी नंबर में मिलते हैं तो हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर मिसाल के तौर पे 1/2 है, 1/4 है, 5/10 है, और कोई भी नंबर माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। अब यहां पे जो हमें लिखा है 1/2 हो सकता है माइनस 1/2 हो, या ये भी हो सकता है कि 1/-2 हो, दोनों सूरतें इसकी हो सकती हैं। तो ये ऊपर का न्यूमिनेटर माइनस में हो सकता है और डिनोमिनेटर प्लस में हो सकता है, या न्यूमिनेटर प्लस में होगा तो डिनोमिनेटर माइनस में हो सकता है, यानी जो इसका अंश और हर है, नसब नुमा और शुमार कुनिंदा, ये अंश कहते हैं इसे, इसे हर कहते हैं, इसे नसब नुमा और इसे शुमार कुनिंदा उर्दू में कहते हैं, और इंग्लिश में इसे ऊपर को नोमिनेटर और नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं। इनमें से कोई एक भी माइनस में है तो हम उसे माइनस यानी हम उसे निगेटिव रैशनल नंबर कहते हैं, और अगर ये 1/2 इसी हालत में है या 2/5 इस तरह की शक्ल में है तो हम इसे कहते हैं कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो हम इसे कह सकते हैं निगेटिव रैशनल नंबर और इसे कहेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक। तो जो रैशनल नंबर है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब यहां पे हम एक और चीज समझेंगे कि रैशनल नंबर का अगर इक्विवेलेंट बनाना हो, समतुल्य परिमेय संख्या बनानी हो, परिमेय का मतलब रैशनल और समतुल्य का मतलब इक्विवेलेंट यानी मुसावी रैशनल नंबर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ये बहुत अहम है और ये चीज हर जगह आपको काम आएगी, क्योंकि ये रैशनल नंबर का मुसावी बनाना ऐसे ही है जैसे किसी नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना या उसको मजीद बड़ा नंबर बनाना। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है 1/2, अब इसका इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, 1/2 का इक्विवेलेंट कौन सा नंबर हो सकता है जो रैशनल नंबर ही की शक्ल में रहे। तो उसका तरीका यह है कि उसको हम किसी भी आदत से जरब कर दें, यानी इसको हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे हम अगर इसको एक इक्विवेलेंट बनाना चाहते हैं इसका, तो हम क्या करेंगे, हम इसको जरब कर देंगे, 1/2 जरबे मलि 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, 2/4 हो जाएगा। ऐसे ही इसको और बड़ा बनाना हो तो हम इसको 3 से जरब कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। इसको और बड़ा करना है तो इसको भी 6 से आप जरब कर दीजिए, 6 × 3 = 6 हो जाएगा और 6 × 2 = 12 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहां पे 1/2 = 2/4 = 3/6 = 6/12,
ये तमाम के तमाम आदद सेम है, सेम नंबर है, बस उनकी शक्ल अलग है, उसको अलग अलग शक्लों में लिखा गया है। ये देखिए ये बड़ा है, बड़े अदद में है, लेकिन ये असल में 1/2 ही है, ये 3/6 है, ये 2/4 है, ये 1/2 है। अब अगर आप इसी को ले लीजिए और इसका सिंपल फॉर्म करें तो 6 × 6 हो जाएगा और 6 × 12 1/2 हो गया, और यही चीज यहां पे सेम है। तो यहां पे हमने सीखा कि किसी नंबर का इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम उसको मुसावी नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों नंबरों को हम मल्टीप्लाई कर दें। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 3/4। अब इसको हम क्या करें, 3/4 जो हमारे पास है इसका इक्विवेलेंट हमको बनाना है मल्टीप्लाई के जरिए से, इसको हम कैसे करें? इसका भी तरीका यही है कि आप इसको जरब कर दें, 2 से हम जरब करते हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि उसको जो आप मल्टीप्लाई करें दोनों का सेम होना चाहिए। ये देखें आपने, हमने यहां पे सेम नंबर इस्तेमाल किया 2, 2, तो ये हो जाएगा 3 × 6 और 4 × 8, 6/8 हो गया। ऐसे ही इसको और बड़ा करना है तो इसी को आप जरब कर दें, या इसको 3 से कर दें, या इसको 4 से कर दें, या इसको 5 से कर दें, 6 से कर दें, किसी जैसे जैसे आप बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे हमको नंबरात उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलता जाएगा। आप इसी को कर दीजिए 6 × 12 कर दीजिए इसको, और 8 × 16 कर दीजिए। तो ये नंबर और ये तीनों बराबर हैं एक दूसरे के। एक तो तरीका ये हुआ कि हम मल्टीप्लाई के जरिए से इक्विवेलेंट नंबर हासिल करते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि डिवाइड के जरिए से भी हम इक्विवेलेंट नंबर हासिल कर सकते हैं। अब डिवाइड में क्या होगा कि हम उसको तकसीम कर देंगे, हम उसे तकसीम करेंगे सेम अदद से। अब हम यहां पे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, इस एग्जाम्पल को हम यहां पे लेकर आते हैं। हमारे पास है 6 × 6/12। अगर हमें इसे इसका इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको हम तकसीम कर देंगे। किससे? 2 से करते हैं मान लीजिए, तो कितना आएगा? इसको हमने यहां कर दिया, इसको हमने कर दिया तकसीम 2 से, कितना आएगा? 6 को हमने तकसीम कर दिया 2 से, आ गया 3, और 12 को तकसीम कर दिया 2 से, आ गया 6, तो 3/6 आ गया। तो 3/6 और 6/12 ये दोनों मुसावी आदाद हैं। बस याद ये रखना है कि जब बड़ा नंबर हो, जब बड़ा हो कि उसे हम किसी सेम आदत से दोनों को तकसीम कर सकते हैं तो वहां पे हम तकसीम करेंगे, और अगर छोटा आदत हो कि हम उसे तकसीम नहीं कर सकते तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको हम 2 से जरब करेंगे हमको और बड़ा आदत मिल जाएगा, इसको भी बड़ा करेंगे और भी बड़ा आदत मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ नंबर बड़ा होगा लेकिन इसकी वैल्यू सेम होगी। नंबर बड़ा होगा लेकिन वैल्यू जो होगी, उसकी कीमत जो होगी वो सेम होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हम दोनों तरीकों से इक्विवेलेंट नंबर, मुसावी नंबर या मुसावी रेशनल नंबर हासिल कर सकते हैं। अब कभी कभार ऐसा होगा कि माइनस का नंबर रहता है, मान लीजिए जैसा कि हमने बताया कि रेशनल नंबर निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये हमने एग्जांपल लिए पॉजिटिव की। अगर निगेटिव का एग्जांपल लीजिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास है 10/15, अब ये 15 माइनस में है, अब इसका इक्विवेलेंट हम क्या निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, 10 को हम तकसीम कर देंगे, मान लीजिए हम तकसीम कर रहे हैं 5 से, -5 से, तो इसे भी हम तकसीम करेंगे -15 को -5 ही से, यहां आएगा, हमने 10 को -5 तकसीम किया, ये आ गया -2। अभी देखिए वो उलट जा रहा है, यहां पहले माइनस में था, ये नीचे माइनस में था, लेकिन जब हमने इसको छोटा किया तो ये प्लस में हो गया, वो माइनस में हो गया। अब देखिए हमने 10 को तकसीम किया 5 से, -2 आया, और हम 15 को माइनस से, देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, और जब माइनस माइनस से हम तकसीम करते हैं तो हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा 5 × 15, इस तरह से 2/-2/3 आया। ऐसे ही हम इसका उल्टा लेते हैं, हमने यहां पे देखा था कि हमने इसको, उसका ऊपर वाला हिस्सा प्लस में है, नीचे का माइनस में है,
हम इसका उत्तर लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 12/24, अब यहां पे -12/24 है, ये बात याद रखें, यहां पे ये देखें, यहां पे ये देखें, यहां पे -12/24 है। अब हम इसको तकसीम करते हैं, 12 तकसीमा -12 तकसीमा, मान लीजिए हम 12 से इसको तकसीम करते हैं, 12 से, और इसको हम तकसीम करते हैं 24 को 12 से, 12 करने में 12 हो जाएगा -1/12 - -1/2 आया। तो आपने देखा कि दोनों सूरतों में बात एक ही बन रही है, दोनों माइनस में आ रहे हैं, चाहे ऊपर का माइनस में रहे या नीचे का माइनस में रहे, डिनोमिनेटर माइनस में रहे या नोमिनेटर माइनस में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो नंबर होगा वो आपका निगेटिव या पॉजिटिव जैसा रहेगा उसी हिसाब से उसका रिजल्ट भी निगेटिव या पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमने यहां पे सीखा कि रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट कैसे बनाया जाए। तो रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट बनाने के लिए दो तरीका है, एक तो जो सबसे सिंपल और आसान है वो ये कि आप किसी भी नंबर को जिसका आपको इक्विवेलेंट बनाना हो उस रैशनल नंबर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा वो उस नंबर का इक्विवेलेंट होगा, जैसा कि हमने किया। और दूसरा तरीका यह है कि आप देखें कि यह नंबर बड़ा है कि नहीं, क्या यह किसी सेम नंबर से इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर तकसीम हो सकता है या नहीं, अगर हो सकता है तो आप तकसीम के जरिए से भी नोमिनेटर इक्विवेलेंट नंबर रैशनल नंबर का हासिल कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का बना सकते हैं। और दूसरा तरीका हमने यहां पर यह सीखा कि रैशनल नंबर जो है, दूसरी चीज या दूसरी बात हमने यह सीखी कि रैशनल नंबर निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और इससे इस बात से कोई फर्क नहीं कि ऊपर का नोमिनेटर माइनस में हो या पॉजिटिव में हो, माइनस में हो या प्लस में हो, या नीचे का माइनस या प्लस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सूरतों में उनमें से कोई एक नंबर भी माइनस में है तो वो निगेटिव रैशनल नंबर होगा, और अगर दोनों नंबर पॉजिटिव में है प्लस में है तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे। तो इन चीजों को हमने इस दर्स में सीखा, इंशाल्लाह हम अगले दर्स में सीखेंगे कि इन नंबरों को जो हमने देखा है कि 1/2, 1/5, 1/6, 10/9, 10/10, 11, 12, इन ये जो सारे नंबर है रैशनल नंबर है, उनको हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करें, कैसे दिखाएं, कैसे हम उसको फिक्स करें, हम कैसे पता लगाएंगे कि 1/2, 2/5 ये कहां लिखा जाएगा, किस नंबर के बीच में लिखा जाएगा, इसको हम इंशाल्लाह अगले क्लास में पढ़ेंगे।